हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके, चलिए अब हम आज क्या करेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर 5 एंड 6. ओके, तो 5 कौन सा चैप्टर था? सब्ट्रैक्शन. आई होप यू ऑल आर गेट द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल 5.1 में था, जो सिंपल सब्ट्रैक्शन था, द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर. सब्ट्रैक्शन मीन्स टेक अवे. And we have 5 chocolates and you have eaten up all the chocolates or you have eaten up 2 chocolates or 3 chocolates. आपके पास 5 chocolates थी, आपने उसमें से 3 खा ली, तो कितनी लेफ्ट ओवर हैं, वो होता है सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन सबसे पहले सिंपल सब्ट्रैक्शन था, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 digit फ्रॉम 3 digit. 3 digit का नंबर लिखा है, उसमें से 1 digit आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आंसर आएगा, या फिर 2 digit का नंबर लिखा है आपको उसे सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आंसर आएगा. ठीक है बेटा, उसके बाद का सब्ट्रैक्ट 0. ठीक है, जब हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर एज इट इज़ रहता है, जो भी आंसर आपको दिया है. क्योंकि आप सपोज आपके पास कितनी कोई टॉयज़ हैं, यू हैव 50 टॉयज़ विद यू, छोटे बड़े सब मिलाते हैं, यू हैव 50 टॉयज़. अगर आपके पास 50 टॉयज़ हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसमें. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो अगर आपने एक भी टॉय खोया नहीं या तोड़ा नहीं, तो आपके पास कितने बचेंगे, जितने आपके पास 50 टॉयज़ पहले थे उतने ही. इसलिए अगर हम 0 लेते हैं तो उसमें से कुछ भी नहीं होता है. नाउ सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग. सिंपल है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है फ्रॉम 3 digit नंबर, सिंगल डिजिट नंबर, फ्रॉम 3 digit नंबर, 2 digit नंबर. उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 digit फ्रॉम 3 digit. ये विदाउट बोरोइंग है, तो ये 5.3 आ जाएगा. सिंपल, आपको बोरोइंग नहीं लेना है, सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है. और आपने क्या करना है रिविजन के लिए, जो भी पुरानी वीडियोज़ हैं वो सारी आपको देखनी है और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है कि एग्ज़ाम होने वाला है. ठीक है, और एग्ज़ाम आपको बता दिया जाएगा कौन सी साइट पे होगा. आप पूछ रहे थे मुझे, तो आई थिंक जोहो पे नहीं होगा, मे बी किसी और पे हो, या जोहो पे होगा तो आपको कंफर्म कर दिया जाएगा. उसके बाद आता है बेटे बोरोइंग वाला. बोरोइंग वाला मैंने आपको बताया था कि जब हम बोरोइंग लेते हैं, तो जब हम बोरोइंग ले लेते हैं तो हम उसमें, हमने टेंस में से लिया तो एक टेंस इसमें ऐड हो जाता है, तो 4 14 बन जाएगा, क्योंकि टेंस लिया है, राइट. और फिर इसमें से टेंस लिया था तो ये 4 बन जाएगा 40, क्योंकि हमने इसमें से कैरी फॉरवर्ड ले लिया ना, इधर बोरोइंग ले लिया, तो इधर भी तो कुछ, जैसे आपके पास 20 आइटम्स था, तो आप उसमें से अगर 10 निकालोगे तो आपके पास 10 ही बचेगा ना, तो वो वाला. ठीक है, ओके, ऐसे ही आपको बोरोइंग वाले अच्छे से करने हैं. आपको क्या करना है, इसको रब करके दोबारा आपको करना है, अगर आपने किया हुआ है, और अगर नहीं किया है तो आप उसको कर लेंगे, और अपने पेरेंट्स से या किसी एल्डर से बोलेंगे कि थोड़ा कुछ आपको सांस दे दें, सो दैट यू कैन सॉल्व इट एंड प्रैक्टिस एट होम. उसके बाद आता है जब हम 2 times बोरोइंग लेते हैं, दैट मीन 10 से भी और 100 से भी, या फिर जीरोज हो, जैसे 300 में से ये नंबर माइनस किया हुआ है. ठीक है, पहले जब 2 zeros होते हैं बेटे, तो हम जो नेक्स्ट नंबर होता है जीरोज के बाद, उससे लेते हैं. हमने यहाँ लिया तो यहाँ 10 बना, यहाँ लिया तो यहाँ से 10 में से 10 लिया तो 9 रह गया, और यहाँ पे 10 बन गया. 10 में से 3 माइनस किया 7, तो यहाँ पे हमने बोरोइंग लिया था तो 10 को सब्ट्रैक्ट कट करके 9 था, 9 में से 3 माइनस किया 6, और यहाँ 2 लेफ्ट ओवर था तो 2 में से बन गया 1. ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे. फिर आपको ये सब प्रैक्टिस करने हैं. इसके बाद आ जाती है वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम सिंपल वाली थी, 5.6 तो आपको करनी है. वर्ड प्रॉब्लम में आपको स्टेटमेंट लिखनी है और सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देना है. इसमें बोरोइंग का भी हो सकता है, विदाउट बोरोइंग का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है. ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चंस थे जिसमें कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करना था, एक्सरसाइज 5.7. ठीक है, तो वो आप कर लेंगे अच्छी तरह. ओके, वो करने के बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे, रिवाइज करेंगे अच्छे से, करते ही रहेंगे. उसके बाद आप पहुंचेंगे मल्टीप्लिकेशन पे. ठीक है बेटा, मल्टीप्लिकेशन मींस रिपीटेड एडिशन होता है. ये मल्टीप्लाई का साइन होता है जो मैम ने बनाया हुआ है, और जैसे मैम ने मल्टीप्लिकेशन कराया था, सिंपल थिंग है कि आपको टेबल्स लर्न करने हैं. ठीक है, अगर और एक मेन थिंग, जब आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0 आ जाता है. ठीक है, जब आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर 0 आ जाता है. ये एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की. इसके बाद आपको टेबल्स वगैरह याद करने थे, और टेबल से रिलेटेड ही है 6.2 एक्सरसाइज थी. इसके बाद आता है सिंपल मल्टीप्लाई, जैसे 3 3s are 9, 3 1s are 3, ये वाला सिंपल मल्टीप्लिकेशन का था. ठीक है बेटा, जैसे ये है 2 2s are 4, 2 2s are 4, ये वाला हो जाएगा. और जो भी आप करेंगे वो सारे आपको मल्टीप्लाई कर लेने हैं. इसके बाद 2 digit वाला था, देखिए कैसे, जैसे कैरी फॉरवर्ड,
थ्री फाइव ज़ा 15 का 5 के यहाँ लगेगा तो 1 यहाँ कैरी फॉरवर्ड। जब हम वेन एवर वी डूइंग सम टू डिजिट नंबर विद वेदर इन एडिशन और इन मल्टीप्लीकेशन तो वी राइट ओनली द वंस प्लेस डिजिट बिलो द नंबर्स एंड कैरी फॉरवर्ड द टेंस प्लेस डिजिट ओवर द अनदर नंबर। ठीक है, ये वंस टेंस के नहीं, अगर हंड्रेड्स भी होगा तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। इसमें नेक्स्ट था थ्री डिजिट, 4 6 24 होता है तो 4 इधर और 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 16 एंड 2 18 का 8 ओवर देयर एंड 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 4 8 एंड 1 9। ओके, ये सब हो जाएगा। बस इसके बाद आपको सिंपल इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम्स थी, वर्ड प्रॉब्लम आप कर लेंगे अच्छी तरीके से तो आपका हो जाएगा। और ये बड़े वाले वर्ड प्रॉब्लम जो हमने थ्री डिजिट वाले क्वेश्चंस किए थे वो सब। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अच्छे से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन एडिशन और चैप्टर 3 कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आपको अच्छे से करना है रिवाइज। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में पैटर्न्स को रिवाइज करेंगे। ओके, टिल देन कीप रिवाइजिंग, बाय।